किरोड़लाल मीणा ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी। टोंक सांसद हरीश मीणा के ऑफर पर बीजेपी नेता ने दे दिया जवाब। धीरे धीरे सरकार मगरमच्छों तक पहुंच रही है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। इससे सबकी नजरें बीजेपी नेता पर लगी है। बीते दिनों कांग्रेस से टोंक सांसद हरीश मीणा ने किरोड़लाल मीणा को उनके साथ आने का ऑफर देकर खलबली मचा दी थी। उन्होंने किरोड़लाल मीणा को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था। अब कांग्रेस सांसद के ऑफर पर किरोड़लाल मीणा ने जवाब दिया है। किरोड़लाल मीणा ने दौसा में हरीश मीणा के ऑफर को ठुकराते हुए बयान दिया है। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन वे अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते हैं। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि हरीश मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने खूब सम्मान दिया था, उन्हें सांसद बनाया था, फिर भी वे भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं बदल सकता हूँ। आरपीएससी में पुनर्गठन पर क्या बोले किरोड़लाल मीणा? इस दौरान उन्होंने कहा कि आरपीएससी में पुनर्गठन की बात सचिन पायलट ने ठीक कही है, लेकिन उनके राज में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि पुनर्गठन टेढ़ी प्रक्रिया है, देश के राष्ट्रपति तक ये मामला जाता है, फिर भी सरकार आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर कानूनी राय मशवरा करवा रही है। अगर कानूनी समस्या नहीं आई तो पुनर्गठन को लेकर कोई समस्या नहीं है। इस दौरान किरोड़लाल मीणा ने पेपर लीक मामले में पिछली गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने 5 साल निकाल दिए और पेपर लीक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि भाजपा के प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज करवाया और भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने 2 आरपीएससी सदस्यों को अंदर किया है। धीरे धीरे सरकार मगरमच्छों तक पहुंच रही है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा।